तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मेहर मैम से, जो कि मुंबई से आई हैं और लास्ट 2 वीक से ज़्यादा से समय से वो हमारे साथ हैं और आज उनका आखिरी दिन है। तो आइए डिस्कशन करते हैं मेहर मैम से। हेलो मैम। हाय। तो मैम, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे। ओके, मैं मुंबई से हूँ। आई लव ट्रैवलिंग, मुझे एडवेंचर का भी बहुत शौक है। मैं SOTC में टूर मैनेजर हूँ। मुझे एडवेंचर का बहुत शौक है, माउंटेनियरिंग का बहुत शौक है, तो मैं हिमालयन क्लब में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और मुझे लड़कियों को और औरतों को खुले दिल से जीने का मैसेज देने का एक प्रयत्न रहता है। आई हैव जॉइंड एडवेंचर वुमेन इंडिया, जो एक बहुत ही अच्छा एक ग्रुप है जो हमारे इंडिया और बाहर के भी सब विमेन को प्रोत्साहित करता है कि खुलो और बाहर निकलो। तो मैंने फेसबुक पे आर्टिस्टिक सोल के बारे में पढ़ा था और जब लॉकडाउन हो रहा था तब कुछ देख रही थी कि मैं किधर कहीं पे कुछ कर सकती हूँ। मुझे आर्टिस्टिक सोल के बारे में पढ़ा, मैंने फेसबुक पे देखा सब जगह पे, फिर मैंने एडवेंचर वुमेन इंडिया में भी देखा कि किसी कोई यहाँ पे आया था और सब जगह से मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले थे, इसलिए मैंने पंकज जी से कांटेक्ट किया और फिर यहाँ पे आ गए। मैम जानना चाहेंगे कि बिल्कुल हम लोग एक ऑफबीट प्लेस पर लोकेटेड हैं और एक छोटा सा हमारा जो है होम स्टे है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका होम स्टे में, लाइक फूड को और आपके जो आप रही वहाँ पे, हाइजीन को लेकर, सेफ्टी को लेकर, इंटरनेट फैसिलिटी और हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में? तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, जो आप बोल रहे हो कि ऑफबीट जगह है, तो ये जगह सच में ऑफबीट है। ये कोई नॉर्मल विलेज जो क्राउडेड है या एक मिनट बच्चे लोग, दो मिनट के लिए, ओके? तो ये जगह ऐसी नहीं है जो बाकी विलेजेस में हम देखते हैं जहाँ भीड़ होती है, शोर होता है। ये बहुत ही दूर है इन सब चीज़ों से, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ वेरी स्मूथ इंटरनेट मिलता है। तो मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती थी और यहाँ पे रह भी सकती थी और मुझे जो करना था वो भी कर सकती थी। तो द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इट इज़ अवे फ्रॉम द क्राउड्स, इट इज़ इन अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। इवन इन विंटर द क्लाइमेट इज गुड, वाईफाई इज एक्सीलेंट एंड द प्लेस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और ऑफकोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे सब जो बच्चे हैं ना यहाँ पे, सब जो गोल घूम रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बच्चे हैं। आपने होमस्टे के बारे में पूछा, तो जो भी यहाँ पे आना चाहता है ना, आई वुड से इट्स वेरी सेफ। इट इज़ वेरी वेरी सेफ, इवन फॉर सोलो वुमेन ट्रैवलर्स, फॉर मदर्स, सिंगल मदर्स, फ्रेंड्स, सबके लिए इट्स वेरी सेफ। मैं हर सुबह 7 बजे उठ के 7:30 बजे अकेले आराम से वॉक पे जाती हूँ, शाम को अकेले आराम से वॉक पे जाती हूँ अगली बस्ती तक। यानी इतनी सेफ्टी है। यहाँ के लोग जो है वो सब बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही फ्रेंडली है और तुम्हें बिल्कुल भी डर लगे ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। सो सेफ्टी वाइज इट इज एक्सेलेंट। वेयर होम स्टे इज कंसर्न, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सिंपल लिविंग। यहाँ का जो होम स्टे है वो बहुत ही बेसिक है। आपको एक जगह दी जाएगी जहाँ पे आप सो सकते हो, खाना जो है वो होमली है, खाना एकदम सिंपल लिविंग है। अगर आपको सिंपल लिविंग ठीक लगता है तो आप यहाँ पे बेझिझक आ सकते हो। हेल्दी है क्योंकि घर का खाना है, वरना आप 15-20 दिन तक ऐसा खाना बाहर का नहीं खा सकते हो। इसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सिंपल लिविंग, दैट इज द ओनली थिंग। हाइजीनिक है, क्लीन है, ओनली थिंग इज इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल नहीं, इंटॉक्सिकेशन यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आँख खोलोगे सुबह उठकर और सामने जो बड़े बड़े पहाड़ देखोगे, आपको इंटॉक्सिकेट हो जाएंगे। आपको और कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन के लिए। दूसरी बात है फिक्स्ड मील्स,
इट्स परफेक्टली ओके, इनफैक्ट इट्स हेल्दी, क्योंकि आपको फिक्स टाइम पे फिक्स मील्स मिल रहे हैं और घर में खाना बनाया हुआ मिल रहा है. वेरी सिंपल फूड, हेल्दी लिविंग. और थर्ड कंडीशन क्या है? हाँ, जो वॉलंटियरिंग है वो शाम को होती है और वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ के बच्चों के साथ आके घुल मिल जाओगे, उनके पेरेंट्स के साथ घुल मिल जाओगे. आज मेरा लास्ट दिन है, मैं सच में बोलती हूँ, अगर मुझे चॉइस होती तो मैं वापस नहीं जाती, पर मेरे पास चॉइस नहीं है. ओके, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि मैं कुछ वॉलंटियरिंग वर्क करूं, तो मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि एक बार सिर्फ आपका जो ये फोन है वो आप मेरे सब बच्चों पे घुमाइए. सब बच्चे लोग बोलो हेलो. अब आप सोचो कि आपको वॉलंटियर करना है कि नहीं इन बच्चों के लिए.